ऐसा व्यक्ति मतलब होता है इस एस्ट्रोलॉजी में कि हाँ प्रेडिक्शन कर देते तो वो सही होता है, या फिर उसमें भी कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई नॉर्म्स, कोई लॉ है? तो जब वो बच्चा पैदा होके बाहर आता है वो फोटोक्रोमैटिक प्लेट की तरह होता है, जिस समय वो रेडियो एक्टिविटी पड़ी बच्चे के ऊपर उसी समय उसका जो डेस्टिनी है, जो उसके तारे हैं, जो उसके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो तय हो जाते हैं। जैसे कोई किसी की कुंडली दिखवाता है तो वो टाइम बहुत मायने रखता है कि इस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र था, उसी से तो पता कर पाते हैं। हमारी पावर्स और हमारी वीकनेसेस जो होती हैं वो उसमें तय होती हैं। आप सारे पुलिस वालों की हाई रैंक की आप जन्मपत्री उठा के देख लीजिए, उसके अंदर मंगल आपको प्रबल मिलेगा। आप चाहे अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, उनके हाथ में दो नीलम है, तो और आप अंबानी जी की फैमिली को देख लीजिए, वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का काम होता है ना? बिल्कुल होता है। चार शुक्रवार व्रत रखो तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो आपके पास वापस आ जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होने वाला है, वो किसी और के साथ घूम रहा होगा, थोड़ी देर के लिए फोन कर लेगा पर आएगा नहीं। आप पैरासिलिसिस जो थे वो जब तक कुंडली नहीं देख लेते थे तब तक वो इलाज शुरू नहीं करते थे। और बड़े मजे की बात यह है